कोरोना वायरस और आगामी होली के त्योहार को लेकर सिवनी के घनसौर थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसडीओपी अनिल कुमार, प्रभारी तहसीलदार रविन्द्र पारधी, सीओ मनीष बागरी उपस्थित रहे। इस बैठक में लोगों को त्योहार घर पर ही मनाने के साथ ही कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु हमेशा मास्क पहनने की सलाह दी गई। सभी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए। तो जो गाइडलाइन हमारे पास आई है, धारा 144 लगी हुई है, और जैसा कि दुकानदारों के लिए और व्यवसायी के लिए बताया गया है कि जो भी व्यक्ति आए उनके पास, जो भी लोग संपर्क में, एक तो भीड़ भाड़ ना हो, सभा ना करें, रैली ना करें, सभी प्रकार से सचेत होने के लिए कहा गया है। अवेयर करने के लिए हमें जो सायरन बजाने के लिए कहा गया, टाइम टाइम में हम लोग सायरन बजा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। दुकानदारों को हमने बताया हुआ है कि अपने दुकान के सामने गोले बना ले एक एक गज की दूरी पर, और रस्सी वगैरह लगा ले। इस प्रकार से रोकथाम के जो उपाय किए जा रहे हैं, अपील की जा रही है, निश्चित तौर पे मैसेज मुझे तक कन्वे हो रहा है, और आप लोग के भी माध्यम से निवेदन है कि सभी लोग को आप लोग जागरूक करें।